हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। और आज आपके सामने पल्स निवेशकों के हितों को अनदेखी करने का एक ऐसा मैटर आपके सामने लेकर आए हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब करे हम अपनी बात शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सामने इस बात का जीता जागता सबूत इस वक्त दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि गोद मीडिया का असली चेहरा अब हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि गोद मीडिया इन्हें क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जो चैनल बिक जाते हैं उसे गोद मीडिया कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में लगभग 99% जी हाँ दोस्तों, ये टीवी चैनल बिक चुके हैं और अपनी FRT को पूरा करने के लिए इसका जिम्मा एक ऐसी सत्ता ने ले रखा है। जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा खर्च उठाने का चैनलों का एक ऐसी सरकार ने ले रखा है जिन्होंने 49,100 करोड़ रुपए के गबन करने के लिए एक षडयंत्र का डिजाइन रचा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं PACL के उन गरीब निवेशकों की जिनकी मेहनत की कमाई 49,100 करोड़ रुपए की लूट की कगार पर है। सत्ता रूपी षडयंत्रकारियों ने इनके पैसे को अपनी जेबों में भरने के लिए, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए इनको अपने साथ मिला लिया है। यही कारण है कि पल्स निवेशकों के धरने प्रदर्शनों के पास ये टीवी मीडिया वाले नहीं जाते। चाहे PACL का कितना भी बड़ा धरना क्यों ना हो, चाहे कोई एक महीने तक भूख हड़ताल पर पड़ा हो, ये वहां नहीं भटकते और कभी अपनी हेडलाइन में भी इनको नहीं दिखाते। जो नीचे छोटी सी पट्टी चलती है उस तक में नहीं दिखाते। ये वही न्यूज़ दिखाते हैं जो इनके आका इनको निर्देश करते हैं और जो इनके आका के हितों में नहीं होती उसको ये नहीं दिखाते, चाहे वो कितना भी बड़ा धरना प्रदर्शन हो या कितनी भी बड़ी न्यूज़ हो। तो दोस्तों, अब मैं इस बात का सबूत आपके सामने पेश करता हूँ कि साइन बाग में चल रहे धरने को लेकर जी हाँ दोस्तों, जो इस वक्त साइन बाग में धरना चल रहा है आपने देखा होगा और आप देख रहे होंगे अभी भी चालू है, कि किस तरीके से गोद मीडिया को धक्के देकर वहाँ के धरने प्रदर्शन वाले इनको भगाते हैं और वो जानते हैं इनकी हकीकत क्या है, तो इसलिए वो इनसे बात करना पसंद नहीं करते। वो जानते हैं कि ये गोद मीडिया है और ये कभी भी हमारे हित में कोई बात नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों, हमने देखा कि उन वहाँ जाने वाले इनके जो रिपोर्टर होते हैं उनको वहाँ से ये प्रदर्शन वाले जो वहाँ पर साइन बाग या इधर विधर जहाँ पर भी इनके ये इस तरह के धरने चल रहे हैं वो इनको अपने पास तक भटकने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि इनके कैमरे तक तोड़कर फेंक देते हैं। और दोस्तों, हम पल्स वाले चाहते हैं कि ये हमारे पास आए, हमारे जब धरने प्रदर्शन हमारे पास आए, हमारी बात दुनिया तक पहुँचाए। तो दोस्तों, कितनी विडंबना की बात है कि एक जगह तो इनको जूते मार के धक्के मार कर निकाल रहे हैं और जब भी वहाँ पर ये जा रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग करने, और एक तरफ हम लोग हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे इशू को दुनिया के सामने दिखाया जाए। अरे दुनिया नहीं तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ उस आवाम के सामने रखा जाए हमारे मैटर को टीवी माध्यम के चैनलों से, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप देखते होंगे कि साइन बाग के मैटर को किस तरीके से एक बड़ा इशू बनाकर ये गोद मीडिया वाले दिखा रहे हैं और अपने आपने देखा होगा कि अपनी बीटेक में बैठकर डिबेट में बैठकर इतनी बहस करते हैं, इतनी फालतू की बकवास जो सुबह से लेकर पूरी रात तक इनको सिर्फ बहस करने और बकवासबाजी करने और आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता। अगर इतनी बीटेक डिबेट अगर इतनी पल्स निवेशकों के लिए बिठाई जाती है दोस्तों और इस तरीके से बहस करी जाती है, तो आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि निवेशकों का पैसा अब तक जाने कब का मिल चुका होता। लेकिन अफसोस कि आज ये मीडिया
जो दुनिया को दिखाने वाली थी वो आज बिक चुकी है। आज ये सारे बड़े चैनल बिक चुके हैं, किसी एक आध चैनल की बात नहीं करते। कोई एक चैनल अगर ऐसा है भी तो अकेला चना दोस्तों भाड़ नहीं फोड़ता, वो कहावत हमारे हिंदुस्तान में है। तो हम बात कर रहे हैं रवीश जी की। रवीश जी एक ऐसे एंकर है जो गोद मीडिया नहीं बने हुए, कभी उन्होंने एक आध बार हमारे मुद्दे को उठाया, लेकिन दोस्तों वो ही कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। लेकिन आपने देखा होगा कि इस वक्त जो सभी के चहेते बने हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सुशील चौधरी इस वक्त कैमरे के सुपर चैंपियन बने हुए हैं, और आज तक सुशील चौधरी जी ने अपने जी न्यूज़ चैनल पर जहाँ दोस्तों ये नहीं दिखाया कि गरीब निवेशक अपने पैसे को लेकर 49,000 करोड़ रुपया जो गरीब लोगों का लूटा गया है, कभी आज तक इस कैमरे के चैंपियन ने जी हाँ दोस्तों कभी गरीब निवेशकों के हितों में कोई एक फूटा शब्द नहीं कहा। बीटेक तो बिठाना बहुत दूर की बात है, डीबैट नहीं बिठाता, ना कभी कोई इस मैटर पर बात करता है। तो दोस्तों साफ जाहिर है कि इस वक्त पूरी गोद मीडिया बिकी हुई है, और ऐसे हालात जो इस वक्त हमारे निवेशकों के चल रहे हैं, ये एक पल्स कंपनी ही नहीं दोस्तों, हमारे भारतवर्ष की 3,000 ऐसी रजिस्टर्ड टॉप मोस्ट कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ ये छल किया गया है, जिनका अरबों करोड़ों रुपया लूटने की कगार पर है, जो एक विभागों को अपने अंडर में करा गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और सभी सरकारी विभागों को अपने अंडर में करके निवेशकों का पैसा हड़पने की एक बड़ी योजना बनाई गई। तो इसमें सफल होते ये नजर आ रहे हैं दोस्तों। आज अगर परेशान है तो इन 3,000 कंपनियों के 15,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों 15,000 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जो अपने पैसे को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक उनका कोई उद्धार नहीं किया जा रहा। बड़ी विडंबना की बात है कि आज भारत सरकार हम गरीब निवेशकों को पैसे को लेकर, जी हाँ दोस्तों हमारे पैसे को लेकर बैठी है, और ये पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा आज हमें इसी बात का अफसोस है कि आज हमारे साथ ये गोद मीडिया, अगर हमारे साथ होती तो हमारा पैसा मिलना बहुत आसान होता दोस्तों। आज जो हम आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आए, ये न्यूज़ आपके सामने इसलिए लेकर आए ताकि आपको इस गोद मीडिया का असली चेहरा दिख सके, विथ प्रूफ दिख सके दोस्तों। जो सबूत हमने आपके सामने पेश किए हैं, अगर आपको ये सबूत हमारे सही लगते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारी दे सकते हैं दोस्तों। आपसे हमारी अनुरोध है कि आप अपनी जैसा भी आप मशवरा देते हैं, जैसा भी आप कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं, हम उसको ज़रूर एक बार आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, और साथ के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।